ये देखो बाइक हो गई स्टार्ट, देख रहे हो। अब मैं इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये साउंड कैसे क्रिएट करेगा दिखाता हूँ। तो मैं जैसे इसका रिमोट का बटन प्रेस करूँगा ना, ये देखो आग जलनी शुरू हो गई। ओए होए होए होए, आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ अपने छोटे भाइयों के लिए जो कि इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं या फिर स्कूटी चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर दिल में ख्वाहिश है कि भाई मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक हो, और स्पोर्ट्स बाइक का साउंड होना चाहिए आपकी स्कूटी में या फिर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में। ऐसे तो आ नहीं सकता इनलाइन फोर का साउंड। तो देखो ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये है आपकी दिली चीज़। ये एक ऐसा साइलेंसर है जो कि स्पोर्ट्स बाइक का साउंड दे सकता है। ये एक ऐसा साइलेंसर है जिसके अंदर की FM रेडियो भी है। ये एक ऐसा साइलेंसर है, मैं तो बोलूँगा साइलेंसर नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए साइलेंसर है, देख रहे हो। इसके अंदर आप अपना मेमोरी कार्ड लगा के गाने भी सुन सकते हैं। तो देखो प्यारी सी एक चीज़ दिखाता हूँ, अब देख लेना इसको एक बार जूम से। ये जो देख रहे हो ना डिवाइस, ये कुछ इस टाइप का दिखता है, देख रहे हो। इसके यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है और बहुत ही अल्टीमेट सी चीज़ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लेम का डिज़ाइन आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोड्स हैं, ये देखो यहाँ पे, ये आप खोलोगे तो यहाँ पे मोड है। ये काफ़ी सारे मोड हैं, इनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। और ये क्या है, ये है इसका यूज़र मैनुअल जो मैंने पूरा पढ़ चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ इसको स्टार्ट। ये देखना ध्यान से, ये इसके साथ में एक रिमोट भी आता है, ठीक है। तो मैं जैसे इसका रिमोट का बटन प्रेस करूँगा ना, ये देखो आग जलनी शुरू हो गई। ओए होए होए होए, कितना प्यारा लग रहा है, आग जलनी शुरू हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर ये वॉल्यूम भी है, देख रहे हो, ये वॉल्यूम मैं बढ़ाता हूँ। अब ये मैंने बाइक वाले मोड पे लगा रखा है, ठीक है। अब जैसे मेरे को उसका मोड चेंज करना हो, मेरे को FM सुनना हो उसमें, तो मैं इस वाले बटन को प्रेस करके रखूँगा, देखना। Bluetooth motto, the Bluetooth device is ready to pair. ये अब स्विच हो गया है ब्लूटूथ मोड पे, तो इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। अपने फ़ोन से आप इसको कनेक्ट करो और फिर गाने सुन सकते हो उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट मोड पे चलते हैं। नेक्स्ट मोड FM भी है, देखा FM आ गया। और ये है, ये इसका आगे और पीछे करने वाला, मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस ऑप्शन है इसके अंदर। फिर मैं इसको दोबारा से अब मोड चेंज कर रहा हूँ, देखना। ये देखो बाइक हो गई स्टार्ट, देख रहे हो। अब मैं इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये साउंड कैसे क्रिएट करेगा दिखाता हूँ। इसका साउंड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये दो वायर्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ बैटरी से कनेक्ट हो जाती है। रिमोट है इसका, तो ऑन ऑफ का कोई स्विच नहीं है इसमें, पीछे मोड के स्विच हैं। और ये वाली जो वायर है, ये एक्सीलेटर से, ई बाइक हो इलेक्ट्रिक बाइक उसके अंदर भी थ्रॉटल होता है ना, उससे कनेक्ट हो जाएगी, और स्कूटी में आपके एक्चुअल थ्रॉटल से कनेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं साउंड, देखो ये मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, देखो लाइट जल रही है कैसे, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो ये वाला साउंड है। अब ये साउंड मेरे को बनाने के लिए, ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कुछ इस टाइप का एग्जॉस्ट है जिसमें लाइट भी जलती है रात को। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लेम निकल रही है साइलेंसर से, तो मतलब थोड़ी सी यूनिक चीज़ है। अभी इसको करते हैं इसकी वॉल्यूम ऑफ। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे एग्जॉस्ट हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं है, बेसिकली ये डिवाइस है। ये आपकी बाइक में, अगर इलेक्ट्रिक बाइक है, जैसे आपने देखा होगा ना रिवोल्ट की, जो अभी हमने वीडियो किया था रिवोल्ट का, उसके अंदर भी जो साउंड होता है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर भी एक आर्टिफिशियली साउंड को क्रिएट किया जाता है। जब एक्सीलेटर से ये वाली तार मिल जाती है, तब ये सिमुलेट करती है एक्सीलेटर को। और जब सोचो कि अगर आप स्कूटी से निकल रहे हो, स्कूटी की आवाज़ ऐसी आ रही है, बंदा चला गया स्पोर्ट्स बाइक पे, कितना डैशिंग लगेगा ये। अब ये लगाएंगे कैसे, जैसे अगर स्कूटी है, एक्टिवा है आपके पास में, या कोई भी स्कूटी है, तो राइट हैंड साइड में तो एग्जॉस्ट लगा ही हुआ है पहले से, तो इसके अंदर ये फिटिंग बनाई गई है लेफ्ट हैंड पे लगाने की, मतलब लेफ्ट साइड। तो ये लगा लो ऐसा करके, नीचे की तरफ ऐसा करके इसको छुपा लो। कोई और भी बाइक है, जैसे स्प्लेंडर है, पैशन है, कोई सी भी और बाइक है, किसी भी तरीके की बाइक के अंदर ये लग जाएगा, किसी भी तरीके की स्कूटी के अंदर ये लग जाएगा, किसी भी तरीके की ई बाइक के अंदर ये लग जाएगा, और लेफ़्ट में लग जाएगा, तो राइट वाले एग्जॉस्ट को हटाने का या फिर निकालने का कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, मतलब मान लो कि अगर मेरा रिमोट खो जाता है, ठीक है, ये मैं चाबी में डाल के रखूँगा, बाई चांस के सेल भी खो जाते हैं या रिमोट खो जाता है, तो
क्या करेंगे, इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे? इसका ये कैप देख रहे हो, ये कैप मैं ऐसे करके खोल लूँगा, इसके अंदर बटन्स हैं। देखो ये मोड का बटन है, ये नेक्स्ट का है और ये प्रीवियस का है, ये वाले इसके अंदर बटन्स दिए गए हैं। ये जो इसमें ये फ्लेम्स जलती हुई देख रहे हो ना, ये अंदर LED लाइट्स लगी हुई हैं, दिखती नहीं है, बाहर से ऐसा दिखता है कि अंदर जो है आग जल रही है। ऐसे ऐसे करके देखो, आग जल रही है अंदर, बहुत तेज कंबर्शन हो रहा है। वाह 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 वाह। तो मतलब स्कूटी में और इलेक्ट्रिक बाइक में कितना सॉलिड लगेगा। अगर ये एग्जॉस्ट किसी को चाहिए अपनी स्कूटी के अंदर या फिर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में लगाने के लिए, तो ये kingindian.in पे अवेलेबल है, आप जाके इजीली बाय कर सकते हैं। महंगी चीज़ है लेकिन शौक वाली चीज़ है। अगर स्कूटी है मेरे पास, मैं पापा नहीं दिला रहे भाई, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को तो साउंड चाहिए, वो साउंड इससे मिलेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक का साउंड। और बहुत ही अल्टीमेट है, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर, FM भी है इसके अंदर, कितनी सारी चीज़ें। यही था आज का प्रोडक्ट उन छोटे भाइयों के लिए जिनको उम्मीदें हैं साउंड की अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से या फिर अपनी स्कूटी से, तो वो ये लगा सकते हैं और मज़े उड़ा सकते हैं। तो चलो बाय बाय। ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चीज़ें ऐसी चीज़ें यूज़ करो, मज़े उड़ाओ। चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।